हेलो स्टूडेंट, एनिमल किंगडम के फाइलम मोलस्का की आज हम स्टडी करेंगे। मोलस्का ग्रीक वर्ड मोलिस से बना है, जिसका मीन है, वर्ड मीनिंग है सॉफ्ट। मींस फाइलम मोलस्का के जो एनिमल है, जो मोलस्क है, वो सॉफ्ट बॉडी वाले होते हैं। मोलस्का वर्ड जो है वो कॉइन किया जॉनस्टन ने। इसमें अबाउट 80,000 स्पीसीज है। मोलस्क, एनिमल्स ऑफ मोलस्का फाइलम, इन मोलस्क की स्टडी को हम मेलेकोलॉजी कहेंगे। स्टडी ऑफ मोलस्क इज कॉल्ड एज मेलेकोलॉजी। साइलेंट फीचर्स और कैरेक्टर्स, एक्वाटिक हैबिटेट के हैं, बट सम आर एम्फीबियंस। फ्री लिविंग, सोलिटरी, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री इनमें प्रेजेंट है। इनकी बॉडी सॉफ्ट और अनसेगमेंटेड है, सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होती। इनकी बॉडी जो है वो एक सॉफ्ट मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर मेंटल से कवर्ड है। यही मेंटल जो है वो बाहर आउटर साइड में कैल्शियम कार्बोनेट के प्रोटेक्टिव सेल को सीक्रेट करता है। इनकी जो सेल जो इनकी बॉडी को, सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। इट इज इंटरनल और एक्सटर्नल। मोस्टली ये मोलस्क पर एक्सटर्नल सेल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इनकी एलिमेंट्री कैनाल यू शेप्ड होती है। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स। कुछ मोलस्क ऐसे हैं कि उनमें पल्मोनरी सैक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह वर्क करते हैं। एक्सक्रीशन के लिए इनमें मेटा नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल और एक्सटर्नल। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रेजेंस ऑफ रिड्यूस्ड ट्रूसिलोम, ये यूसिलोमेटा में आते हैं। यूसिलोम, ट्रूसिलोम इनमें प्रेजेंट होती है, लेकिन वो रिड्यूस्ड होती है। मोलस्का फाइलम की एक क्लास गैस्ट्रोपोडा। तो मोलस्का फाइलम की क्लास गैस्ट्रोपोडा के जो एनिमल्स हैं, जिनको अपने गैस्ट्रोपोड्स कहते हैं, हैव टूथ्ड टंग विच इज कॉल्ड एज रेड्यूला। इनकी बॉडी में रेड्यूला प्रेजेंट होती है, जो एक्चुअल में टूथ्ड टंग होती है, ऐसी टंग जिसपे टीथ्स प्रेजेंट हो। तो इस तरीके की स्पेशल टूथ्ड टंग रेड्यूला गैस्ट्रोपोड्स में प्रेजेंट होती है। मेन एग्जाम्पल में कॉमन नेम और जूलॉजिकल नेम, एप्पल स्नेल जिसे हम पाइला कहेंगे, एप्पल स्नेल पाइला, पर्ल ओएस्टर, पिंक टाडा जिसमें नेचुरली पर्ल का सिंथेसिस होता है, कटलफिश सेपिया, स्क्विड लोलिगो, डेविलफिश ऑक्टोपस, सी हेयर एप्लाइसिया, एलिफेंट टस्क सेल डेंटेलियम, सी माइका काइटन, फ्रेश वाटर मुसल यूनियो, शिप वर्म टेरिडो। पेक्युलरिटीज, फाइलम मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है कोडी। आपने देखी होगी कोडी। सेल ऑफ सर्टेन मोलस्क, म्यूरिक्स और साइप्रिया जैसे मोलस्क की जो सेल है, जो प्रोटेक्टिंग जो सेल है, उसे हम कोडी के फॉर्म में यूज भी करते हैं, आपने देखे भी होंगे। टेरिडो, इट रिमेन इन बुरो मेड ऑफ वुड ऑफ शिप और बोट। शिप और बोट की वुड में ये बिल बनाता है, होल बना देता है। फुट इज हाईली रिड्यूस्ड एंड यूज टू मेक होल इन वुड। इस टेरिडो में जो फुट है वो हाईली रिड्यूस्ड है, और इसी फुट की हेल्प से ये बोट और शिप के वुड में होल बनाते हैं, बिल बनाते हैं। पर्ल ओएस्टर मेराइन हैबिटेट है। इसकी इंडियन स्पीसीज जो है वो पिंक टाडा वल्गेरिस है। इट फॉर्म्स नेचुरल पर्ल विच इज सिक्रेटेड बाय नेक्रियस लेयर ऑफ मेंटल। मेंटल की जो नेक्रियस लेयर है, वही इसके अंदर नेचुरल पर्ल को बनाती है, सिंथेसाइज करती है। ऑक्टोपस एक ऐसा मोलस्क है जिस पर एक्सोस्केलेटन, या आपने कहें कि आउटर एक्सटर्नल सेल इन पे एब्सेंट है, विदाउट सेल। सीपिया एंड लोलिगो इनमें सेल प्रेजेंट है, लेकिन इंटरनल है। गैस्ट्रोपोड जो मोलस्क है, मींस मोलस्का फाइलम के गैस्ट्रोपोडा क्लास के मोलस्क जो है, एग्जिबिट टोर्जन ड्यूरिंग डेवलपमेंट।
टोर्जन ड्यूरिंग डेवलपमेंट. टोर्जन क्या है? टोर्जन इज रोटेशन ऑफ विसरल मास एंड फुट 180 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू हेड एंड फुट. जब इनमें डेवलपमेंट होता है तो इनका अडल्ट जो है वो कैसा हो जाता है? एसिमेट्रिक हो जाता है. कैसे हो जाएगा एसिमेट्रिकल? जब इनका लार्वा अपने अडल्ट में चेंज होगा तो इनकी बॉडी के अंदर टोर्जन एक प्रोसेस होगा. टोर्जन प्रोसेस में इनकी विसरल मास और फुट जो है वो 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट हो जाएंगे. तो ये सिमेट्रिकल से इनका अडल्ट क्या बन जाता है? एसिमेट्रिकल बन जाता है. नर्वस सिस्टम ऑफ गैस्ट्रोपोड मोलस्क इज एट शेप. गैस्ट्रोपोडा क्लास के जो मोलस्क है उनमें एट शेप का नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है. अडल्ट पेलीसाइपिड मोलस्क आर फ्री लिविंग बट देयर लार्वा. पेलीसाइपोड जो मोलस्क है अडल्ट स्टेज में ये फ्री लिविंग है, लेकिन इसका जो लार्वा है ग्लोचिडियम ये फिशेस के ऊपर एक्टोपैरासाइट है. जाइंट स्क्विड कोलोजल स्क्विड लार्जेस्ट मोलस्क है एंड लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट भी है, जिसकी लेंथ 55 फीट तक होती है. ये हम देख सकते हैं यहाँ पे डेविल फिश, ऑक्टोपस, पायला, एप्लाइसिया एंड यूनियो. तो मोलस्क नेक्स्ट फाइलम एकाइनो डर्मेटा. नॉन कोडेट का लास्ट फाइलम हम इसे कहते हैं इकाइनो डर्मेटा. दो ग्रीक वर्ड से बना है इकाइनोस स्पाइनी डर्मा स्किन, जिसकी स्किन के ऊपर स्पाइनी मींस कांटे जैसी स्ट्रक्चर्स हो, स्पाइन्स का बना हुआ एक्जोस्केलेटन जिसकी स्किन में हो, इकाइनो डर्मेट्स है. इकाइनो डर्मेटा जो टर्म है वो यूज किया जेकोब क्लीन ने. ल्यूकर्ट ने इसे एक फाइलम के फॉर्म में डेजिग्नेट किया. मायर के अकॉर्डिंग इसमें अबाउट 4000 स्पीसीज प्रेजेंट है. जनरल कैरेक्टर्स एक्सक्लूसिवली मेराइन है. ये मेराइन हैबिटेट, मेराइन एक्वाटिक हैबिटेट में रहते हैं. फ्री लिविंग है, सोलिटरी है, फ्री लिविंग स्विमिंग भी है और कुछ इनमें से फिक्स्ड भी है, अपने बेस के ऊपर अपने सबस्ट्रेटम पे अटैच होते हैं. इनका लार्वा बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, लेकिन इनके अडल्ट रेडियल सिमेट्रिकल है. लार्वा बाइलेटरल सिमेट्रिकल और अडल्ट इनका रेडियल सिमेट्रिकल होता है. ब्लड वेस्क्यूलर और एक्सक्रेटरी सिस्टम इकाइनोडर्मेट्स में एब्सेंट होते हैं. इनमें एक स्पेशल सिस्टम वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम प्रेजेंट होता है. वाटर एंटर इनटू इट थ्रू ए मेड्रिपोराइट. इस वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम में वाटर इनकी बॉडी में मेड्रिपोराइट से एंटर होता है. प्रेजेंस ऑफ ए स्पेशल ट्यूब फिट विच हेल्प लोकोमोशन एंड रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन और लोकोमोशन के लिए इनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर ट्यूब फिट प्रेजेंट होती है. इनका रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम इनमें रिड्यूस्ड होता है. इनकी बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन, स्पाइन्स और ओसिकल्स का बना होता है. रेस्पायरेशन के लिए इनमें बर्सी, ट्यूब फिट, गिल्स एंड रेस्पायरेटरी ट्रीज प्रेजेंट होते हैं. ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल फीमेल सेपरेट होते हैं. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट है. लार्वल स्टेज इनमें प्रेजेंट होती है. कौन कौन से लार्वा इनमें इकाइनोडर्म्स में प्रेजेंट होंगे? बाइपिनेरिया, डोलियोलेरिया, इकाइनो प्ल्यूटियस, ओफियो प्ल्यूटियस, ब्रेकियोलेरिया, ओरिक्यूलेरिया लार्वा इनमें प्रेजेंट होते हैं और इनमें एक स्पेशल हीमल सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है. अपने इनको ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम के इक्विवेलेंट एक सिस्टम हीमल सिस्टम इनमें प्रेजेंट है. मेन एग्जाम्पल स्टारफिश जिसका जूलॉजिकल नेम एस्टेरियस है, सी अर्चिन एकाइनस है, सी लिली एंटीडोन है, सी कुकुम्बर कुकुमेरिया है, ब्लैक सी कुकुम्बर और लोलीफिश होलोथ्यूरिया है, सी पेंटागन पेंटासीरोस है. पेकुलियरिटीज सी कुकुम्बर हैव रेस्पायरेटरी ट्री इन देयर क्लोएका विच परफॉर्म रेस्पायरेशन. सी कुकुम्बर्स में क्लोएका में रेस्पायरेटरी ट्रीज प्रेजेंट होता है जो इनमें रेस्पायरेशन प्रोसेस परफॉर्म करता है. जो इकाइनोडर्म्स है इनमें रीजनरेशन की गुड पावर होती है, यानी इनके अगर बॉडी के पार्ट्स कट भी जाएं तो वो ग्रो करके और नए
एनिमल्स को बना देते हैं। तो रीजेनरेशन की काफी अच्छी पावर इनमें होती है। सी अर्चिन जो है उसे अरिस्टोटल लेंटर्न, अरिस्टोटल की लालटेन इसे कहा जाता है। इट इज ए चीविंग एपरेट्स फाउंड इन बक्कल कैविटी। वी इट बियर्स फाइव जार्स अपीयर लाइक ए लेंटर। इसकी बक्कल कैविटी में एक चीविंग एपरेट्स, एक चबाने वाला एपरेट्स इनकी बक्कल कैविटी में, माउथ कैविटी में प्रेजेंट होता है, जो लेटर्न, लेंटर्न, लालटेन की तरह दिखता है, इसीलिए इसे हम अरिस्टोटल लेंटर्न कहते हैं। स्टारफिश जो है इनमें स्पेशल अम्बुलेक्रल ग्रूव्स और पेडिसिलेरिया जो है वो प्रेजेंट है। फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा तक हमने नॉन कोर्डेट्स की स्टडी की है। अभी नेक्स्ट जो फाइलम जिसकी हम स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, हेमी कोर्डेटा है। ये हेमी कोर्डेटा अभी तक के पीछे जो नॉन कोर्डेट्स है उनसे भी कुछ सिमिलरिटी रखता है, और आगे का जो नेक्स्ट फाइलम, जो मोस्ट डेवलप्ड फाइलम जिसे हम कहेंगे कोर्डेटा, उससे भी सिमिलरिटी रखता है। तो नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा के बीच में इंटरमीडिएट पोजीशन पे होने के कारण इसे हम हेमी कोर्डेटा, हाफ कोर्डेटा इसे कहते हैं।